देखिए किसान भाई, यदि आप लोग आप सीजन में बीन्स की खेती करना चाहते हैं तो आप लोग को काफ़ी अच्छा रेट मिल सकता है। तो आप लोग आप सीजन में भी बीन्स की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा, और आप लोग अभी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बीन्स की खेती में A to Z संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, सीजन आप है और यदि आपके पास सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है तो आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। बस आप लोग आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करें। साथियों, खेत की तैयारी करते समय हमें गोबर की खाद को अच्छी तरीके से खेत में बिखेर देना चाहिए, और बिखरने के बाद रोटावेटर करा लेना चाहिए। और बात करें बेसल डोज की, तो बेसल डोज में NPK 12-32-16-50 kg प्रति एकड़ और सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। बात करें इसकी बुआई के लिए अनुकूल मौसम, तो इसके बुआई के लिए सबसे अनुकूल और उपयुक्त मौसम ठंडे जलवायु वाला मौसम माना गया है। ठंडे जलवायु में इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और यदि आप लोग आप सीजन में करना चाहते हैं तो आप लोग कम मात्रा में छोटा सा शुरुआत कर सकते हैं। आप सीजन में आप लोगों को रेट अच्छा मिल जाता है, तो आप लोग यदि करना चाहें तो आप सीजन के लिए शुरुआत जुलाई और अगस्त माह में कर सकते हैं। इसके उन्नत वैरायटी की बात करें तो फेमनिज कंपनी की फागुनी वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। हम लोग काफ़ी समय से इसे लगाते आ रहे हैं, इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छा है और इसका पैदावार बहुत ज़्यादा है, एवं यह लंबे अवधि तक हमें फल देता रहता है। आप लोग अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चयन कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के क्षेत्र में अच्छी वैरायटी हो, आप लोग उसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए जो सबसे अनुकूल समय है वह नवंबर और दिसंबर माह है। इस माह में फली बीन्स की खेती आसानी से एवं सफलतापूर्वक किया जा सकता है। साथियों, बीज की बुआई से पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि बीज को कार्बेंडाजिम या थीरम से उपचारित कर लेना चाहिए, और बुआई करते समय इसके पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट तथा लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट हमें रखना चाहिए, जिससे कि पौधे का विकास अच्छी तरीके से हो पाए और फल हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। साथियों, बात करें सिंचाई की, तो पहली सिंचाई बुआई करने के तुरंत बाद कर देना चाहिए, और इसके बाद 8 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार हमें सिंचाई करते रहना चाहिए। फली बीन्स की खेती में खरपतवार नियंत्रण हेतु कोशिश करना चाहिए कि हमें हर्बिसाइड का प्रयोग न करना पड़े। यदि हम मजदूर की सहायता से निराई गुड़ाई करा लें तो यह बेस्ट रहेगा। साथियों, जब हमारी फसल 30 दिन की हो जाए तो 30 केजी यूरिया में 1 किलो जिंक मिला करके हमें जड़ों के पास देना चाहिए, और इसके बाद जब हमारी फसल 45 से 50 दिन की हो जाता है तब 30 किलो यूरिया में 2 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद जड़ के पास देना चाहिए, जिससे कि पौधे का भरपूर विकास हो जाता है और फल फूल काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं। इसके बाद जब बीन्स की हम पहली तुड़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमें NPK 19:19 घोल का छिड़काव 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। कीट नियंत्रण, साथियों बात करें हम कीट नियंत्रण की, तो
बीन्स की फसल में फल छेदक के प्रभाव को रोकने के लिए क्विनाल फास 25% ईसी या इमामेक्टिन 5% एसजी फॉर्मुलेशन का प्रयोग 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मात्रा के हिसाब से करना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेनोफास या क्लोरोपायरीफास का हमें प्रयोग करना चाहिए। साथियों, पौधे के विकास के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का के रूप में पोषक सुपर का प्रयोग करना चाहिए या इसके विकल्प में विलोवुड कंपनी का ब्रांड टॉनिक का प्रयोग करना बेस्ट रहता है, जिसके प्रयोग से हमारे पौधे में काफ़ी तेज़ी से विकास देखने को मिलता है और बहुत सारे नए कल्ले आने लगते हैं, जिससे कि हमारा पौधा विकसित होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल देने के लिए तैयार हो जाता है। पौधों में फूल की अवस्था में अमीनो एसिड वाले टॉनिक जैसे बायर कंपनी का एम्बिशन या सिजेंटा कंपनी का ईसाबियन या धनजाइम गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा प्रति लीटर पानी में 1.5 से 2 ml का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बात करें फंगिसाइड की, तो बरसात के मौसम में सिक्सर या साफ का प्रयोग कर सकते हैं और ठंडी एवं गर्मी के मौसम में मेटालैक्सिल फार्मुलेशन के साथ हाईमिल या रिडोमिल एवं अन्य कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं, तो आप लोग इसका छिड़काव करके पौधों को हरा भरा एवं रोग मुक्त रख सकते हैं। इसके प्रयोग से फल आकर्षक एवं चमकदार होते हैं। तो साथियों, यदि आप लोग बताए गए उपरोक्त सभी विधि का अनुसरण करते हैं तो मेरा दावा है कि आप लोग एक बार फसल लगाकर कम से कम 8 महीने तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा यह वीडियो हमारा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।